जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के वजह से सारा विश्व का जो काम चल रहा था, जो एक्टिविटी हो रहा था, वो सडनली स्टॉप्ड हो गया। प्रथम का जो भी काम उड़ीसा में चल रहा था उसको हमें बंद करना पड़ा, सारा ऑफिसेस को क्लोज करना पड़ा और सारे अपने एम्प्लॉई को बोलना पड़ा कि अपने घर जाके वो सेफ में रहे। सो वर्क फ्रॉम होम में करने के लिए ये जो आदत हमारे पास नहीं था वो आदत हमें डालना पड़ा। लॉकडाउन से करीब 2-3 दिन पहले मेरी पूरी टीम अपने अपने घर के लिए निकल गई थी। मैं और मेरे कुछ सीनियर कलीग्स ने ये प्लान किया कि हम लोग 2 दिन के बाद यहाँ से निकलेंगे, और वो 2 दिन न तब हुए हैं न अब हुए हैं। हमारी टीम को भी आइडिया नहीं था किसी से अचानक फील्ड का काम छोड़ करके उसमें फ़ोन पर बात करें और बच्चों को टास्क दें और उसका रिस्पॉन्स लें। शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन थी कि ये किस तरह से होगा। हमने उसको करना शुरू किया और आज तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को हमने शुरू किया था वो बहुत ही सक्सेसफुली लोगों तक, जो हमारे टारगेट थे, बच्चे, पेरेंट्स, माताएं, उन तक जो 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 गतिविधियां प्लान की थी वो अच्छे से जा पा रही है। We are trying to reach as many as children and parents through our phone and WhatsApp task. So every day we are using this medium to send daily task, and we are sending a lot of messages to parents with regard to Tamil, math, English, science and their day-to-day life-oriented activities. So the parents are seeing this message, they are engaging with their children, and especially the fathers are involving. And they are seeing the progress which they are not able to see during in the school days. Morning we send the message, by afternoon or evening we get a good positive response, like children are doing, and they send their WhatsApp videos and voice messages. We also do regular phone calls to follow up parents, whether they are liking the activities, they find any problem or they are struggling to understand. So everything makes us to be engaged. We are also learning many things. Our teams are not only involved in imparting the educational activities, but also in COVID-19 relief activities, like distribution of ration, groceries to the villagers, preparing face masks and distributing them at free of cost, preparation of homemade sanitizers and distributing. The most interesting learning for us is COVID-19 is not an obstacle for the learning process of children. पहले जिसके पास फोन है वो आता है, फिर वो बच्चे आते हैं, फिर वो पेरेंट्स, तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है और ऐसा लगता है कि आप फैमिली से बात कर रहे हो, और उनका भी प्रेम और उनका भी लगाव एक अलग स्तर का होता है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया कि आप भी हमें सजेस्ट करें कि किस तरह से हम बच्चों की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला, यानी कि हर घर में अब पेरेंट को जिम्मेदारी लेनी है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखे और टीचर भी उसमें हेल्प करेंगे। उसके तहत प्रथम ओपन स्कूल, प्राडीजी पर प्रथम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो भी कॉन्टेंट है हमने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। हमने हर एक क्लास और हर एक सब्जेक्ट के साथ उस कॉन्टेंट की मैपिंग की है जिससे कि अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों तक वो कॉन्टेंट पहुंच सके। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाने में भी गवर्नमेंट की हम हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट लेवल से ये जो कंटेंट है ये टीचर्स तक पहुंचेगा, टीचर्स से पेरेंट के माध्यम से अल्टीमेटली बच्चे तक पहुंचेगा। अर्लियर से लेकर ग्रेड 8 तक अभी प्रथम इस कंटेंट के माध्यम से गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम लगभग पूरे हिमाचल में हम 6 लाख बच्चों तक इस माध्यम से पहुँच पा रहे हैं। एक चैलेंज का टाइम है और इस चैलेंज के टाइम में शायद आज हम और गवर्नमेंट कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि बहुत फॉर्मल मैनर में नहीं, बड़े इनफॉर्मल मैनर में भी काम हो रहा है। अडैप्टेबिलिटी, रेडीनेस टू लर्न एंड फोकस ऑन सॉल्यूशन, दिस इज हाउ आई कैन डिस्क्राइब द लास्ट फ्यू वीक्स एट प्रथम सेकंड चांस प्रोग्राम। इन दीज अनसर्टेन टाइम्स व्हाट हैपेंस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड व्हाट हैपेंस टू आवर वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर वर्क इज अ बिग क्वेश्चन। But what we've tried to do in the interim is we've reorganized ourselves into 3 units to hopefully build off what we think are our competencies and strengths. The first unit is the community support group. This group is working with the villages around the 130 vocational training centers that we have. They're working to identify the immediate needs of communities, of food, of ration, of needs for quarantining support.
and to mitigate them, but also identifying the longer term needs of these communities around livelihood, around certification, around skill development and so on. So this group has a year to the ground. We have the next unit, which has a year towards the jobs. This is the industry support unit. This team of ours is working to reach out to our students, our large alumni body who've been placed in jobs, to identify their current status of employment, but also work with our network of about 2,500 employers to identify what their needs and requirements will be once the economy reopens, around receiving labor, around bridging the migration gap and so on. The third group is our backbone. This is our training unit, which is now the digital learning unit. They first were working to train the 3,500 students of ours who had to leave courses midway through because of the lockdown. This unit is now trying to move beyond working with our captive audience of students to reach out to a larger community of youth learners. Immediately when the lockdown was announced, the Bombay Municipal Corporation got in touch with Pratham, Farida ma'am, and requested Pratham to join hands with Municipal Corporation to serve food to all homeless people in the city of Mumbai. We started giving two-time meals to close to 1,000 people in the first week of the lockdown. Suddenly, the day by day, the need got increased, and today we serve close to 35,000 people on two-time meals. Very quickly, Pratham could respond to the city's need and also mobilize various organizations working with various sets of vulnerable communities. The feeling of solidarity for each other is so strong that we are all in this together and we will sail through. The morale of the entire organization is so high, no one is even thinking that there will be any loss in terms of what we were doing before. Yes, we might have hit a speed bump, but we will pick it up from there and again reach for greater heights. And as Rukmini aptly said, all this strengthens our faith in ourselves. All these feelings are so overwhelming in today's time that it gives us confidence to do more than what we have been doing already. Pratham is an amazing organization supported by amazing people. Big thank you to all of you for the efforts that you all take, which help us achieve our goal of every child learning well.